हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक LG फेल्ट्रॉन कंपनी का टीवी आया है बनने के लिए। तो यह टीवी दोस्तों LG का है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है वह स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। ऐसे तो टीवी में दोस्तों स्टैंड बाई LG में लगता नहीं है। LG में सप्लाई दीजिएगा तो टीवी आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यह टीवी स्टार्ट नहीं हो रहा है, केवल लाल इसका इंडिकेटर बल्ब यहाँ पर जल रहा है। चलिए आपको सप्लाई देकर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सप्लाई यहाँ दे दिया, इंडिकेटर बल्ब रेड हमारा जल चुका है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो टीवी ऑन हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा इस पर लाइट भी आ रहा है, स्क्रीन पर AV भी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम DTH चालू कर रहे हैं तो दोस्तों इस पर देख लीजिए, TV हमारा स्टार्ट हो चुका है और स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर AV लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम DTH चालू कर रहे हैं, यह पुनः दोस्तों इसमें स्टैंड बाई लग जा रहा है, यानी लोड पर दोस्तों यह भाग जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं DTH स्टार्ट करके। तो DTH जैसे ही स्टार्ट किए, ये भी हमारा हट चुका है और थोड़ा सा लाइट आएगा और पुनः दोस्तों यह स्टैंड बाई इसका लग चुका है। देखिए हमारा इंडिकेटर फुल बल्ब जलने लगा, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा इंडिकेटर बल्ब यहाँ जल रहा है। हम टीवी को ऑन कर रहे हैं, DTH हमारा ऑन है और इसमें दोस्तों थोड़ा सा पिक्चर आएगा और दोस्तों फिर स्टैंड बाई लग जाएगा। देखिए हम स्टैंड बाई से रिलीज कर रहे हैं इसको। देखिए जैसे ही हम ऑन किए, यह इंडिकेटर बल्ब हल्का हल्का डिम हुआ और जैसे ही यह पुनः स्टैंड बाई लगेगा तो फिर यह फुल बल्ब जलने लगेगा, ग्रो ज़्यादा कर। देखिए पिक्चर आ गया और आने के बाद दोस्तों फिर यह स्टैंड बाई लग जा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा टीवी जो है पुनः स्टैंड बाई फिर लग चुका है और यह LED पूरा ग्लो हो गया, यानी ज़्यादा तेज बढ़ने लगा। तो दोस्तों चलिए हम इसी फॉल्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले टीवी को हम खोलेंगे और टीवी के पीछे चलेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम पहले खोल लेते हैं। और यह टीवी दोस्तों बंद होगा, ढेर दिन से खुला नहीं है, तो इसमें धूल मिट्टी भी होगा, तो हम धूल मिट्टी भी साफ कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे चेक करके कि प्रॉब्लम है कहाँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम टीवी तो खोल दिए हैं लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा झोल मकड़ी है, देख रहे हैं, और धूल मिट्टी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छी तरह साफ सुथरा कर दिए हैं। तो थोड़ा सा इसका सिस्टम समझ लीजिए। इसका जो यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल सिस्टम IC, यह TDA 11105 है और इसका अलर्ट नंबर है N33N4, ठीक है। यही दोस्तों इसका सिस्टम IC है। EST 6006M है। STR यहाँ पर जो लगा हुआ है वह 6554 STR है। तो दोस्तों इसमें स्टैंड बाई प्रॉब्लम है, लोड पर यह भाग रहा है। तो लोड पर भाग रहा है तो ज़्यादातर दोस्तों हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं रेजिस्टेंस, यही खराब रहता है। यह ऐसे मीटर से चेक करने पर ठीक बताएगा और आपको जब लोड दीजिएगा तो यह दोस्तों काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसी के कारण दोस्तों स्टैंड बाई लगता है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज थोड़ा सा इसका नाप लेंगे कि किस पिन पर कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सप्लाई वोल्टेज थोड़ा सा नाप लेते हैं। टीवी को हम ऑन कर दिए हैं, यहाँ पर लाइन भी आ गया है, इंडिकेटर देखिए यहाँ पर यह जल रहा है। चलिए इसको चालू करते हैं तो देखिए हल्का यह लाइट डिम होगा, देखिए। और यह टीवी दोस्तों चालू हो चुका है। अब चलिए हम थोड़ा सा 110 वोल्ट की सप्लाई नाप लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए 109.7 सेम दोस्तों हमारा इतना भी यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों मिल रहा है, देखिए दोस्तों यह घट भी जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। ऐसे दोस्तों यह सेम सप्लाई आ रहा है लेकिन लोड पर यह भाग रहा है। ये भी पिन लगा कर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे यह चल रहा है, यहाँ पर दोस्तों हम ये भी पिन लगाएंगे तो देखेंगे कि वोल्टेज हमारा सही रह रहा है कि भाग जा रहा है। दोस्तों टीवी हमारा स्टैंड बाई में चला गया, ठीक है, वोल्टेज अचते हुए स्टैंड बाई चला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं स्टार्टिंग वोल्टेज। देखिए दोस्तों, जब हम टीवी स्टार्ट कर दिए तो वोल्टेज 109.6 वोल्ट, और जब टीवी हमारा स्टैंड बाई लग जा रहा है तो दोस्तों इसका वोल्टेज पुनः थोड़ा सा घट जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा टीवी स्टैंड बाई लग चुका है। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, टीवी हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है।
बार बार स्टैंड बाई लग जा रहा है। ऐसे एलजी टीवी में दोस्तों सप्लाई देते ही टीवी चालू हो जाता है। तो हम यहाँ से और यहाँ के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यह रेजिस्टेंस दोस्तों देखिए यहाँ पर से और यहाँ के बीच एक जैक है और यह सप्लाई दोस्तों प्लस बी हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर यहाँ पर सप्लाई हमारा आता है तो यह काम करता है। तो लोड पर दोस्तों यह छोड़ दे रहा है, तो हम यह रेजिस्टेंस दोस्तों चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यह रेजिस्टेंस दोस्तों 1 ओम्स का रेजिस्टेंस होता है और 1 वाट का। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस का हम सोल्डिंग हटा दिए हैं। अब चलिए दोस्तों इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद दोस्तों हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यह रेजिस्टेंस हम बाहर निकाल लिए हैं। चलिए इसका वैल्यू बताते हैं आपको। दोस्तों यह 1.4 का रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1.4 ओम्स का रेजिस्टेंस है। देख लीजिए इसका कलर भूरा पीला सुनहला सुनहला, ठीक है। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस के और ये एक वाट का रेजिस्टेंस है, तो हम दोस्तों 1 ओम्स 1 वाट का रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं और उसके बाद दोस्तों टीवी स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा टीवी सही होता है कि नहीं। दोस्तों इसको मीटर से चेक कीजिएगा तो सही दिखाएगा। चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लेते हैं और ये देखिए दोस्तों यह बिल्कुल सही दिखाएगा, देखिए, ठीक है, 1 ओम्स यह दिखा रहा है। तो हम चलिए नया लगाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चेक करके फिर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यह 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है 1 वाट का, यही दोस्तों हम रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हम लगा दिए हैं, चलिए इसको सोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसका कुछ फालतू पिन है तो इसको काट के निकाल देंगे। ये कट गया दोस्तों। अब चलिए हम टीवी को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं। तो टीवी हम दोस्तों स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब ए भी कोड लगाते हैं और देखते हैं कि पिक्चर अब चलता है स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमारा पिक्चर बिल्कुल चल रहा है, स्टैंड बाई नहीं लग रहा है। चलिए आपको स्क्रीन दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यह टीवी बंद नहीं हो रहा है। चलिए अब टीवी को बंद कर और फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन दिखाए यह चल रहा है टीवी। अब चलिए दोस्तों आपको हम फिर से क्या करेंगे कि टीवी का सप्लाई काट देंगे, प्लग पिन से बाहर निकाल देंगे और दोबारा दोस्तों टीवी स्टार्ट करेंगे। तो हमको बटन से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, हमको टीवी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आपको साइड से दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यह टीवी का प्लग पिन है और डीटीएच हमारा चालू है। ये भी कोड हम इसमें लगा चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये भी कोड यह लगा हुआ है, ठीक है। और शीशा में आपको दिखाएंगे और इसमें हम सप्लाई देंगे। तो ये प्लग पिन दोस्तों हम यहाँ बोर्ड में लगाते हैं। टीवी हमारा स्टार्ट छोड़ जाना चाहिए। टीवी देखिए दोस्तों हम छुए नहीं है टीवी को, टीवी हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अब दोस्तों इस पर लाइट और पिक्चर दोनों आएंगे, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों आपके सामने। ये देखिए अब टीवी हमारा बंद नहीं हो रहा है, टीवी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था यही दोस्तों रेजिस्टेंस में था। यह रेजिस्टेंस दोस्तों लोड पर काम करना बंद कर दे रहा था। एलजी टीवी में इस किस्म का फॉल्ट दोस्तों बहुत ही आता है और स्टैंड बाई में ज़्यादातर यही खराब मिलता है रेजिस्टेंस है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।